और मेहमान आते हैं यहाँ, हम सबके लिए आज का दिन निहायत ही खुशी, मसरत, सआदत और शादमानी का कि हम अपनी जामिया बिरादरी जामिया ही अबनाए करीम में से एक आजीम मुतहर्रिक फ़ाल आलिम दीन जिनकी गुनाहों मसरूफियतें और मुख्तलिफ मैदानों के मुद्दों में खिदमत है, उसे मेरी बात हजरत मुफ्ती मंगोल जावेद आसमी साहिब नामक रूहुल आलिया और उनके साथ जो वक्त हाजिर हुआ है उनमें से हर एक अपने मैदान की एक अजीम शख्सियत है, तो हम इन तमाम ही हजरात यहाँ के जामिया में मुरीद जामिया की तरफ से, पूरी बिरादरी की तरफ से और जामिया के जर्रे जर्रे की तरफ से उन तमाम इस्तकबाल करते हैं, अहलन व सहलन को मरहबा कहते हैं, आप आए बहार आई की सौगात और नज़्में पेश करते हैं। हमारे इस वक्त के जो अमीर मुख्तारम हैं, कारवा के जो जिम्मेदार हैं जनाब मुफ्ती अबूबकर साहब, इनकी शख्सियत हमारे लिए मुहताज तआरुफ नहीं, इसलिए कि गुज़श्ता साल हजरत की एक मुख्तसर से आमद हुई और उसके बाद रजब के महीने में दो दिन का क़याम रहा और उसमें हजरत ने पांच नशिस्तें की और हम असातिज़े किराम और तलबे अज़ीज़ को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी तजर्बात और अपने मुताहात की रोशनी में हम सबको मुस्तफीज किया था। हजरत की मसरूफियतों का अंदाजा हमें उस वक्त हुआ जब हमारे मोहतरम दोस्त काजी साहब और कातिब साहब का रमजान मुबारक में उनके इदारे में जाना हुआ, एक महीने का क़याम रहा, तो इन हजरात ने जो कारगुजारी सुनाई कि करीब में घर होने के बावजूद घर का वक्त बहुत कम है, तसनीफ तारीफ इस्लामी माशा माशरे के उनवान से मुख्तलिफ किस्म के वर्कशॉप और मुख्तलिफ किस्म के बयान और हजरत का खुद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप है एक तो इदारे के नाम से और एक तस्वीर के अहकाम के नाम से, तो उस पर जो रोजाना हजरत की तरफ से जो पोस्ट शायर होती है उसमें मुख्तलिफ जगहों का बयान मुहाजरा, तो पूरी 24 घंटे का एक निज़ाम है और वो पूरा इंतहाई मसरूफ है। ऐसी गुनाहों मसरूफियतों के बावजूद अपनी जामिया की तरफ से जब दावत पहुंची तो नसर व चश्म कबूल की और हम सब के लिए ये खिदमत के मौके फराहम किए। हम पूरी बिरादरी की तरफ से और खसूस नाजिम जामिया की तरफ से हजरत का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हजरत की आमद हम सब के लिए इदारे के लिए खैर का जरिया होगी और आइंदा भी ये मुबारक सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। उसके साथ हजरत के साथ जो वक्त आया है उसमें एक मुफ्ती असलम सुल्तान साहब है, ये नाजिम है मदरसा नौमानिया यानी वहाँ के नाजिम भी है, सदर जमीयत है और इसी तरीके से जिलेवी जो जमात तबलीग है उसके जिम्मेदार भी है। अल्लाह इनकी आमद को भी बेइंतहा कबूल फरमाए। इस वक्त की दूसरी अजीम शख्सियत मुफ्ती अहमदुल्लाह कासमी साहिब है, ये नाजिम है दारुल उलूम रशीदिया और इनकी कई तसानीफ है यानी साहिबु तसानीफ है, अल्लाह इनकी तसानीफ को भी कबूल फरमाए और इनकी आमद को भी कबूल फरमाए। और इस वक्त की तीसरी शख्सियत मुफ्ती आमिर हनी कासमी है, ये दारुल उलूम सईदिया के नाजिम है और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अमीर जमात भी है, यानी तालीम और तबलीग दोनों को साथ में लेकर चलने वाली शख्सियत।
शख्सियत है, अल्लाह दोनों की तरफ के दिमाग को कबूल फरमाए। और इस वक्त की एक शख्सियत मुफ्ती इरफान कासमी साहब है, ये इस्लामुल बनात के नाज़िम है और स्कूल के भी जिम्मेदार है। और इस वक्त के जो कारवां है जनाब मुफ्ती मुबर साहब उनके बिरादर खुद है, अल्लाह इन सब की आमद को कबूल फरमाए और हम सब के लिए इदारे के लिए नाफे और सुन्नत बनाए। अपने मजीद तारुफ न करते हुए हजरत से मातबराना गुजारिश करता हूँ कि उनके शरीफ जाकर हम सब को मुस्तफीज फरमाए। तैयारी भी करना होगा शुरू। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہم سب ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، بزرگوں کے علاوہ تقریبا اساتذہ قریب العمر اور ہم عمر ہیں، اس لیے آپ میں سے بہت سے وہ بھی ہیں جو مجھ سے زیادہ تجربات رکھتے ہیں اور بعض فنون میں ہم سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے قابل استفادہ ہیں، لیکن مجھ سے حضرت ناظم محترم نے، استاذ محترم نے گزشتہ ہی حکم دے دیا تھا کہ سال کے شروع میں آنا ہے، تعمیل میں بھی، صلہ رحمی میں بھی اور تسکین شوق کے لیے بھی، احسان مندانہ جذبات کے اظہار کے لیے بھی حاضری ہوئی ہے۔ مدرس کی صفات، مثالی استاد کی صفات میں جتنا بھی پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ایسا احساس ہے کہ مثالی استاد کا سب سے بڑا اور بنیادی وصف خود مثالی بننا ہے علم میں، خود مثالی بننا ہے عمل میں، خود مثالی بننا ہے تعلق مع اللہ میں، خود مثالی بننا ہے حسن معاشرت میں، خود مثالی بننا ہے وسعت مطالعہ میں، خود مثالی بننا ہے تعلق مع الاکابر میں۔ وہ بات یاد آتی ہے جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہمارا تعلیمی نظام نامی کتاب میں نقل کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث فعلیہ زیادہ ہیں احادیث قولیہ کے مقابلے میں، فلسفیوں میں اور نبیوں میں فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس عمل ہوتا ہے، فلسفی کے پاس صرف پرکشش قسم کے نظریے ہوتے ہیں، لفاظی ہوا کرتی ہے، الفاظ کی تک بندی ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر دو پتھر بندے ہوتے ہیں، دوسروں کے پاس صرف ایک پتھر ہے، یہاں پر ورم والی نماز ہوتی ہے، دوسروں کے پاس صرف فرائض ہیں، یہاں پر ایام بیس بھی ہے اور کبھی صوم داؤدی ہے، عام لوگوں کے لیے صرف فرض روزے ہیں۔ عبادت کا کمال،
जोहद का कमाल, तवाज़ो का कमाल, हिल्म का कमाल। तो सबसे पहली बात, मिसाली और कामयाब उस्ताद का वस्फ ये है कि मैं मिसाली बन जाऊं और मैं तालिब इल्म को ये कह सकूं, जैसा कि हजरत सहाबा रदी अल्लाह अन्हु अजमाइन फरमाया करते थे, कूनु मिसलना, मेरी तरह हो जाइए आप लोग, हमारी तरह हो जाइए आप। एक पहलू तो इसमें उजब वाला है, एक किब्र वाला है, लेकिन दूसरा पहलू वाकई ज़िंदगी इस कदर बेदाग हो, लायक तकलीद हो और इस कदर कशिश रखती हो कि वाकई कहा जा सके कि हमारी तरह हो जाइए। दूसरी बात, जितना कुछ माहिरीन तालीम ने लिखा है, सिर्फ दो लफ्ज कहे जा सकते हैं, मोहब्बत और मेहनत। जिस उस्ताद के अंदर तालिब इल्म से मोहब्बत हो और मेहनत का जज्बा हो, वो उस्ताद अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। मेहनत भी सिर्फ काफ़ी नहीं है और सिर्फ मोहब्बत भी काफ़ी नहीं है। मोहब्बत की जब बात आती है तो आप हजरात के जहनों में मलहूज रहना चाहिए, अमारित के साथ इख्तलात करने की एहतियात पहलू और बदनी खिदमत लेने में एहतियात का पहलू, वो दिली मोहब्बत, वो दर्दमंदी जो तालिब इल्म के सबक सुनाने, सबक बढ़ाने, याद न करने पर सजदे में रुलाने की तरफ ले जाती हो। तीसरी बात जो हम सब के लिए इस ज़माने में, इस पुरफितन दौर में बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि हमें दीन का सिपाही तैयार करना है। जो तालिब इल्म आज नाज़िरा में पहले दिन दाखिल हुआ है, जो तालिब इल्म हिफ्ज के लिए आया है, जो तालिब इल्म अरबी अव्वल में आया है, मुझे उसको दीन का सिपाही बनाना है। तबलीगी जमात में 3 दिन के लिए जाता है, 40 दिन के लिए जाता है, दीन का दर्द, किसी कदर अमल का शौक़, अपनी मालूमात के मुताबिक लोगों को दावत देने का जज्बा आ जाता है। मेरे पास इस तालिब इल्म ने 3 साल पढ़ा, इस तालिब इल्म ने 4 साल पढ़ा, 40 दिन 4 महीने नहीं, पूरा साल रहा, लेकिन उसके अंदर मैं वो सुन्नतों की इत्तेबा का शौक, दीन पर मर मिटने का शौक जैसा पैदा करना चाहिए वैसा पैदा करने का जज्बा हो। हमारे हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत जेलकद्र खलीफा थे, हजरत मौलाना शाह अब्दुल गफूर साहब, खुतब दकन रहमतुल्लाह अलैह। तो लगा बंधा निज़ाम उनके पास नहीं था, इतनी बड़ी इमारतें नहीं थी, मालियात का कोई ठिकाना नहीं था, खाने पीने की कोई फरावानी नहीं थी। उनके सिर्फ 2 वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ। आज भी वो आलिम दीन ज़िला बीदर के मौजूद हैं, उन्होंने दाखिला लिया मदरसे में, यस्सरनल क़ुरान पढ़ना शुरू किया। हज़रत ने एक दिन में इतनी मेहनत की कि मग़रिब में नाज़िरा शुरू हो गया और 2 साल में इतना तैयार किया कि दारुल देवबंद में पंजुम और मौकूफ़ आले की जमात में दाखिले के काबिल बना दिया। उनके पास रस्मी निज़ाम की तकमील से ज़्यादा अपने इलाक़े की ज़रूरत को पूरा करने की फ़िक्र होती थी। मुझे इस ज़िले में एक आलिम तैयार करना है, मुझे इस गांव के लिए हाफिज़ तैयार करना है। वो मैदानी लोग हुआ करते थे और बच्चों का चंदा करके लाया करते थे, 900 तलबा। बहुत सी मर्तबा ये एहसास रहता है जिन असातिज़ा का
उन 900 तलबा के देहातों में जाना नहीं हुआ, उन 900 तलबा के ताल्लुके और जिले में जाना नहीं हुआ, उन 900 तलबा के सूबे में जाना नहीं हुआ, और शायद आदतन जाना भी मुश्किल है। उसके वालिद की घरेलू हालत क्या है, माशी हालत क्या है, माँ खेत में काम करती है, जिस्मानी आजार हैं, जिस दर्द मंदी से भेजा है उस दर्द मंदी के साथ इस्तकबाल जो होना चाहिए और उस अपनाइयत के साथ अपनी सलाहियतें मुंतकिल की जानी चाहिए, और ये सोचा जाना चाहिए कि मुझे तो इस तालिब इल्म के ज़रिए से फलाना इलाका फतह करवाना है, फलाने इलाके को दीनी एतबार से खुद कफील करना है। अगर सिर्फ निसाब व निज़ाम की खाना पूरी मैंने कर दी लेकिन अगर उस इलाके की दीनी ज़रूरत को पूरा न किया और उस इलाके को दीनी एतबार से खुद कफील मैंने नहीं बनाया तो वाकई हमारा ताल्लुक हुसूल मुआश का होगा, खुदा में दीन तैयार करने का नहीं होगा। हमारा ताल्लुक जज्बाती नहीं होगा, रूहानी नहीं होगा, दिली ताल्लुक नहीं होगा, रिजाल साजी वाला ताल्लुक नहीं होगा, बाफैज ताल्लुक नहीं होगा, बांझपन वाला ताल्लुक होगा, बेफैज वाला ताल्लुक होगा। जितने अकाबिर हैं उन सब अकाबिर के वाकयात इसी तरीके से, इनका मामूल ये था शाह अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह का, चूँकि खानकाही मजालिस भी चलती थी, अवामी महफिलें भी होती थी, तलबा को साथ में ही सफ़र में ले जाते, बस स्टेशन पर बैठे हुए जलालैन पढ़ा दी, हिदाया बसों में मुख्तलिफ जगहों पर सफ़र करते हुए तकमील करवा दी, और तहज्जुद से शुरू हो जाते थे। तालिबे इल्म कभी भाग जाता मदरसे से, खेत में छुप जाता, पत्थर मारने लग जाता, झाड़ पर बैठ जाता, हजरत उसको वहाँ से लाने की कोशिश करते, उसके माँ बाप से मिन्नत समाजत करते। आप हजरत के इल्म में वाक़यात हैं, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कैसा ताल्लुक़ रखा, कैसे उनके पूरे घराने को ज़माने तालिबे इल्मी में संभाला। खुलासा ये है कि दीन का सिपाही तैयार करना हमारी मंजिल हो, सिर्फ निज़ाम व निसाब की खाना पूरी हमारी मंजिल ना हो। हमारे इलाके के बहुत ही मुफक्किर आलिम दीन हजरत मौलाना अहमद उबैद साहब फरमाते हैं कि पता नहीं ये तालिबे इल्म एक साल के बाद आएगा नहीं आएगा, दो साल के बाद आएगा या नहीं आएगा, इतना तो पढ़ा दो, इतना तो जहन बना दो कि ये कम से कम सच्चा पक्का मुसलमान तो बन जाए, ये कम से कम एक मकतब का उस्ताद बनकर तो जी सके, गुमराह फिक्रों का तासुर उसके ऊपर ना हो, कादियानी ना बन जाए, शकीरी ना बन जाए, मुलहिद ना बन जाए, और दूसरे इस जमाने के फितनों का वो शिकार ना हो जाए। इतनी जहनसाजी होनी चाहिए। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस्ताद का काबिल होना अलग है, काबिल बनाना अलग है। कामयाब उस्ताद वो होता है जो काबिल बनाता है। बहुत सारे असातिज़ा काबिल होते हैं, अपनी जगह पर फ़न के माहिर होते हैं, लेकिन काबिल बनाने का हुनर, सुराही को झुकने का हुनर, उंडेलने का हुनर, बनाने की दर्दमंदी जो होनी चाहिए उसकी कमी की वजह से वो काबिल शागिर्द तैयार कर नहीं पाता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस्ताद को ये सोचना चाहिए कि मैं आलिमुल कुल नहीं हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना मुंतकिल करने की फिक्र करूँगा, जो नहीं जानता हूँ पढ़कर बता दूँगा, जो नहीं जानता हूँ बड़ों से पूछकर बता दूँगा, लेकिन तालिबे इल्म के सामने ऐसा इजहार नहीं करूँगा कि तुम्हें मेरे बात किसी की ज़रूरत नहीं है, या दीगर असातिज़ा के दरमियान तहासुद तबाउस तदाबुर का गंदा माहौल पनपने ना पाए।
हम एक दूसरे की तकमील का जरिया है। मेरे से नहव पढ़ लीजिए, फलाने उस्ताद से बलागत पढ़ लीजिए, फलाने से अदब पढ़ लीजिए, फलाने से किरात पढ़ लीजिए। हम मुख्तलिफ फनून में एक दूसरे के मुकम्मिल हैं, एक दूसरे के मुआविन हैं। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस्ताद की तकर्री के ज़ाबते जहाँ पर हजरत ने लिखे हैं, मैं नहीं कहता कि कामिल उस्ताद होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि तालिबाना मिजाज तो होना चाहिए। कामिल कहाँ से लाएंगे? और जो कामिल होगा वो अपने आप को कामिल कब समझेगा? लेकिन तालिब किसी तो कैफियत हो, तालिब किसी कैफियत हो तरबियत के अंदाज को सीखने में, तालिब किसी कैफियत हो अपने साथियों से पूछ कर चलने में, तालिब किसी कैफियत हो अपने बड़ों के पास जाने में, तालिब किसी कैफियत हो किताबों की मुराजात में, बेटा मैं ये नहीं जानता हूं किताब देखकर बता दूंगा। तालिब किसी कैफियत हो, मैं नहीं कहता कि उस्ताद कामिल हो, लेकिन ये जरूर कहता हूं, हजरत के तकरीबन अल्फाज हैं, कि तालिब किसी कैफियत हो। अन्ना सुमादिन का मादिन इताबी वल्फिदा, अल्लाह जल्ला जलालु अमन वालों ने किसी इंसान को फजूल पैदा नहीं किया है। सोने चांदी के कान हैं, पहले दिन ये तय कर लेना कि ये तालिबे इल्म कुछ नहीं कर सकता है, पहले दिन ये तय कर लेना कि ये तालिबे इल्म किसी मसरफ का नहीं है, अल्लाह के निजामे तखलीक पर उंगली उठाना है। कमी मेरी है, मैं नफसियात नहीं समझ पा रहा हूं, कमी मेरी है कि मैं दुआ नहीं कर पा रहा हूं, कमी मेरी है कि मैंने तन्हाई में दिलजोई नहीं की है, कमी मेरी है कि मैंने उसके दर्द को नहीं सुना है। ये रुख होना चाहिए। अन्ना सुमादिन का मादिन इदाबी वल्फिदा, कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही। इस हदीस के फवाइद में एक मुफक्किर ने अजीब बात फरमाई, ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है कि हम तामीर कर रहे हैं, जैसे बल्कि ये चराने का काम है कि बकरी के अंदर इस्तेदाद तय है, कुव्वत तय है, अब उस बकरी को उसकी इस्तेदाद के मुताबिक लेकर चलना है। एक बकरी के अंदर 8 किलो गोश्त होता है, एक बकरी के अंदर 10 किलो होता है, हर एक की एक मनफात होती है, कोई दूध ज्यादा देती है, किसी का गोश्त लजीज होता है, उसके अंदर जो सलाहियत पहले से वदियात की हुई है उस सलाहियत का सही मसरफ, उस सलाहियत का मैदान तय करना, ये असल कामयाब उस्ताद का काम है। शेख सालेह अल मुंजिद दामत बरकातुहुम आलम अरब के बड़े मुसन्निफ हैं, उन्होंने बहुत ही मबसूत किताब लिखी है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को मैदान जंग के लिए क्यों मुंतखब किया, अबू हुरैरा को हिफ्ज़े हदीस के लिए क्यों मुंतखब किया, हजरत अली को कुव्वत फैसले के लिए क्यों मुंतखब किया? जिस सहाबी की जो इस्तेदाद थी कामयाब कायद पूरी अमानतदारी के साथ, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, अमानतदारी के साथ नासिहाना जज्बे से उनको उस मसरफ में लगाता है, अल्लाह से यही दुआ करना होता है कि अल्लाह मुझे इल्हाम कर दीजिए कि वाकई ये तालिबे इल्म किस मैदान में चला जाने के काबिल है। तड़पना यही होता है, सर मारना यही होता है अल्लाह के सामने। हजरत शेखुल हिंद ने हजरत कश्मीरी को फन हदीस में चलाया, रद्द कादियनत पर चलाया, हजरत थानवी को, मौलाना इलियास साहब को और दीगर शागिर्दों को, किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को, शेखुल इस्लाम को, किसी को सियासत का मैदान, किसी को इफ्ता का मैदान, हिफ्जुर रहमान सिवहरी को, तकरीबन जितने भी मुजद्दिदाना किस्म के, मुज्तहिदाना किस्म के, मौसिर किस्म के काम करने वाले गुजरे हैं,
आप उनको देखेंगे कि अलग अलग मसरफ में, अलग अलग मैदान में उन तलबा को तैयार किया गया, ज़माने तालब इल्मी से तैयार किया गया, और दीनी शोबजात में जहाँ जो खला था उस खला को पूरा किया है उन उलमा ने अपने शागिर्दों के ज़रिए से। अबुल महासिन सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद के शागिर्द हैं, उनके ज़रिए से तीन सूबों में दारुल कज़ा का निज़ाम, तीन सूबों में ऐसा कज़ा का एतमाद कि बहुत से मुस्लिम मुल्कों में नहीं पाया जाता है। तो ये पहलू कि हम तालिबे इल्म के सिलसिले में हरगिज़ ये तय न करें, ये किसी मसरफ का नहीं है, बल्कि दुआ और फिक्रमंदी के साथ तय करना है कि ये तालिबे इल्म किस मैदान में चलने के काबिल है। ज़माने तालिबे इल्मी से खिदमत दीन का जज्बा, ये तकलीफ दे किस्म की शिकायतें आजकल हर तरफ सुनाई देती रहती हैं कि तालिबे इल्म के सामने उस्ताद मायूसी की बातें, माश के सिलसिले में बेचैनी का इजहार, अपने हरीसाना जज्बात का इजहार, ज़माने तालिबे इल्मी से तिजारत में लगने के इरादे। आप ज़माने तालिबे इल्मी से कमज़ोर तालिबे इल्म को एक देहात का ईमान बचाने पर तैयार करते, उसके बजाय अभी से ये जहन कि तुम्हें तिजारत करना है। एक तालिबे इल्म को दौरे हदीस में उस्ताद ने पूरी जहन साजी की, फरागत के बाद तिजारत करना, किसी कमेटी का गुलाम मत बनना, किसी नाजिम के मातहत मत रहना, खुददार बन के रहना, इस्तिग़ना के साथ रहना। वो तालिबे इल्म ने सालाना इम्तिहान में कोई दिलचस्पी नहीं ली, मुझे तिजारत ही तो करना है। तिजारत की जा सकती है, अहले इल्म ने तिजारत की है। काजी अथर मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल किताब है हर पेशे हर तबके में तुजार उलमा। लेकिन क्या हमारी तबीयतें इतनी पुख्ता है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसा ताजिर बन के इशा के वजू से फज्र पढ़ ले? क्या हमारी तबीयतें इतनी पुख्ता है? और मुल्क भर में ऐसे कितने उलमा हैं जो तिजारत के साथ अवाम को वक्त देते हैं, ऐसे कितने उलमा हैं? साबिकीन की मिसालें उनकी तबीयत की पुख्तगी के साथ है, उनके जोहद के साथ है, उनकी किनात के साथ है, उनकी इस्तेकामत के साथ है। मैं अपनी नापुख्तगी के साथ और अपने कच्चेपन के साथ, जिंदगियां झोंक दी हमारे अकाबिर ने 8-8 साल के लिए। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई, हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मुझसे हजरत अलीमिया नद्दी रहमतुल्लाह ने कहा कि तुम नदवा पढ़ाने के लिए आ जाओ। तो मैंने जल्दी में हजरत के एहतराम में कह दिया हजरत आ जाऊंगा, और ये सोचकर कि नदवा एक बड़ा इदारा है, शोहरत भी मिलेगी, इल्म भी फैलेगा। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ दिन के बाद हजरत से मुलाकात करके कहा कि मैं नदवा नहीं आ सकता। तो हजरत अलीमिया ने फरमाया कि क्या वजह हो गई? तो मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुझे इदारों के दरमियान कोई तनकीस तफजील नहीं करना है, लेकिन दीनी खिदमात के मैदान में लगाने का रुझान। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मैं अगर नदवा जाऊंगा, अक्सर फुजला एम्बेसियों में जाएंगे, अरबी के ट्रांसलेटर बनेंगे, आईटी कंपनियों में जाएंगे, पीएचडी करेंगे, उनमें से कुछ दीन की खिदमत भी करेंगे, लेकिन देवबंद जाऊंगा, अक्सर व बेशतर मकतब पढ़ाएंगे, मदरसों में लगेंगे, तो मेरे इल्म की इशात, मेरा आखिरत का बनना इनके ज़रिए से ज़्यादा होगा बिलमुकाबिल उनके। मुझे उनकी दुनिया तो चाहिए नहीं, आखिरत इनसे मेरी बनेगी। ये हजरत के तकरीबन अल्फाज हैं कि मुझे उनकी दुनिया तो चाहिए नहीं, आखिरत मेरी इनसे ज़्यादा बनेगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस इदारे में पढ़ाना चाहता हूँ। इस सिलसिला हर जगह पर है, नज़रिए का फ़र्क हो सकता है,
लेकिन असल पहलू ये है, ये तालिबे इल्म का मुझ पर एहसान है कि वो मेरे इल्म की इशाअत का जरिया बन रहा। क़ारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालिबे इल्म का अपने ऊपर एहसान समझो, अगर तालिबे इल्म ना मिलता तो तुम्हें इल्म की इशाअत का मौका ना मिलता। खिदमत का जहन बनाना, खिदमत दीन पर जमने मरने का जहन बनाना तलबा का, ये बहुत अहम है। मरते मरते वादे लेकर गए अकाबिर। अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द का हाथ पकड़कर मरते हुए बोल कर गए सैयद सुलेमान नदवी से, सीरत 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 काम पूरा करना है तुम्हें सीरत का। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने जिन अफराद को तैयार किया, जिन्होंने भी जो मिशन छोड़ा है अपने पीछे, अपने साथियों से उस पर मरने के वादे लिए, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुलिंद रहमतुल्लाह अलैह के जिन शागिर्दों को जिन इलाकों में भेजा गया, दरसी सरगर्मियों में और गैर सरगर्मियों में तवाजुन, खारजी चीजों का तस्करा इतना भी ना हो कि निसाबी सरगर्मियों से दिल उचाट हो जाए और निसाबी सरगर्मियों का जोर इतना ना हो कि गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो ही ना हो। इन दोनों के दरमियान तवाजुन कायम करने की जरूरत है। जमाने के बदलने की रफ्तार पिछले जमानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। कोरोना से पहले का जमाना अलग है, कोरोना के बाद का जमाना अलग है, 5 साल पहले का जमाना अलग है, 5 साल बाद का जमाना अलग है। अगर हमने फिक्री जंग को नहीं पढ़ा, अगर हमने मुल्क के तारीख और जोग्राफिये को नहीं पढ़ा, तलबा में खुद एतमादी का माहौल नहीं पैदा किया, तो आने वाली नस्ल मायूसी में और शिकस्त खुर्दगी के जज्बात में अधमरी बनकर जीती रहेगी, नीम मुर्दा बनकर जीती रहेगी। तलबा में खुद एतमादी का पैदा करना, ईमान के फायदे बयान किए जाएं, आखिरत के तस्करे किए जाएं, सियासी उरूज और जवाल सब कुछ नहीं है, हुकूमत का छीनना और मिलना एक आम चीज है, इस्लाम क़यामत तक के लिए है, एतमाद वाला ताल्लुक। थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर फरमाते हैं कि तसद्दी असालीब तरबियत में बहुत नुकसानदेह है। तसद्दी यानी पीछे पड़ जाना, पढ़कर ही बता वरना मैं क्या करूंगा तेरे साथ, तुझे बदलना ही है वरना मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। तसद्दी की कैफियत, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तसद्दी की कैफियत ना हो, जिद की कैफियत ना हो, कोई और उसलूब तरबियत सोचा जाए, कुछ और पहलू बदला जाए। इतनी अपनाइयत तो कम से कम हो काब बिन मालिक की तरह। अल्लाहु अकबर, कैसी सीरत की मिसाल है कि हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 50 दिन नजरअंदाज कर देना रहा नहीं गया, बहुक्म इलाही 50 दिन नजरअंदाज करना हजरत काब बिन मालिक से रहा नहीं गया। और हमारे शागिर्दों में काब बिन मालिक की तरह वो तसल्लुब नहीं है कि रूम के बादशाह ने खत लिखा, हमें पता चला है कि तेरे साथी ने तेरी नाकदरी की है, इन्ना साहिब का कद जफाक फलहक बिना, आ जाओ हम कदर करेंगे तुम्हारी। तो कितनी जल्दी हम इस जमाने की ज़ईफ़ तबीयतें भाग जाती हैं। ये काब बिन मालिक की तरबियत का असर था। क्या मैं इतना कमजोर हो चुका हूं कि दुश्मन मेरे बारे में तमाह करने लग गया। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह वान का वाकया हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तारात में एक बलागत की तरबियत की बहुत सारे पहलू के अंदर रखे गए हैं, उस नज़र से उसको पढ़ा जाना चाहिए, सिर्फ हल्ले लुगात के एतबार से नहीं, फिकुल मुनासबात का एहतमाम,
जिस मौके पर जो बात के बकराईद का जमाना आ रहा है, ये तालिबे इल्म जाएगा अपने इलाके में, बकराईद के कौन से मसाइल हैं जो इसे झेलने हैं, गैर मुकलदीन की तरफ से क्या आएंगे, आम देहातियों की तरफ से क्या आएंगे, गैर मुस्लिमों की तरफ से गौकुशी से मुतालिक क्या आएंगे। रबीउल अव्वल का महीना है, चलो सीरत का तस्करा कर लें, सीरत पर एतराज़ात। रमज़ान का महीना है, तरावी की जुज़ियात, रोज़े की जुज़ियात पर मेहनत हो जाए, फ़िक़ह की किताबों में उस पर गुजरते हुए मेहनत हो जाए। हज के मसाइल की ज़रूरत पेश आएगी, ख़ानदान में हाजी जा रहे होंगे, करने के काम क्या है, नहीं करने के काम क्या है, किताबुल हज बसीरत के साथ अब गुजर जाए कि आप ख़ानदान की रहबरी कर सको। फ़िक़ुल मुनासबात के मुताबिक काम करने से तालिबान तैयार हो जाता है। अकाबिर उठ रहे हैं, इदा मात मिन्ना सईदुन कामा सईदुन, सिर्फ जलसे ताज़ियत करना काफ़ी नहीं है, उनके खला को पूरा करना असल है। हमें का जब एक कायद मर जाता है तो दूसरा कायद खड़े हो जाता है, एक का हाथ टूट गया दूसरा हाथ टूट गया, कलाइयाँ टूट गई झंडे को गिरने नहीं दिया। दीनी खिदमात के तसलसल को बाकी रखना है, खुदा में दीन को तैयार करने के जरिए से। असल मैदान तो कमजोर तलबा है, आम तौर पर ज़हीन तलबा को मुखातब बनाकर उस्ताद मुतमईन हो जाता है कि सबक मैंने पढ़ा दिया। बोझ तो पड़ता है कमजोर तलबा को पढ़ाते वक्त, ज़हीन तलबा तो अपनी ज़हानत से पढ़ लेंगे। मेरे और आपकी मेहनत का इम्तिहान, मेरे और आपके अंदाजे तरबियत के कामयाब होने का मियार, वो तो कमज़ोर तलबा है कि मैं कमज़ोर तालिबे इल्म को चलाकर बताऊं, तैयार करके बताऊं। तबीयत में चिड़चिड़ापन और तबीयत में उचाटपन, तबीयत में सख्ती इसलिए भी आ जाती है कि मुझे तुझे हाफिज बनाकर रहना है, आलिम बनाकर रहना है। हजरत हकीमुल उम्मत फरमाते हैं एक जगह पर, हम हाफिज बनाने की उजरत नहीं लेते, हाफिज बनाने की कोशिश की उजरत लेते हैं। हमारा जो अक़्द इजारा है कोशिश का है, बनाने का नहीं है। बनाने का काम तो अल्लाह का है, बनाने का काम तो मुकद्दर का है। कोशिश के सिलसिले में हमारा आपसे अक़्द इजारा है, उसमें हमसे कोई कोताही नहीं होगी। बीमारी का ज़माना तालिबे इल्म का दिल जीतने का होता है, तालिबे इल्म की गैर मौजूदगी महसूस हो रही हो, तालिबे इल्म की इयादत की जा रही हो, जो मुनासिब अंदाज में दिलजोई हो सकती है, मुनासिब अंदाज में दिलजोई की जा रही हो, अपने बस की दिलजोई। तालिबे इल्म को बीमारी के ज़माने में छोड़ देना बहुत ज़्यादा तालिबे इल्म के बददिल हो जाने या बहुत अच्छे मौके को खो देने का जरिया बनता है। तलबा की इयादत, मुझे अपने मुताले की सतह को बढ़ाना है, खयानत समझे मुताले के बगैर दरसगाह में दाखिल होने को। तालिबे इल्म की नज़र सबसे पहले अपने उस्ताद पर ही होती है, मेरे अपने मुताले की सतह क्या है, मेरी अपनी इशराक होती है नहीं होती, मेरी अपनी अवाबीन होती है नहीं होती है, मेरे कुछ खलवतें अल्लाह के साथ गुजरती है नहीं गुजरती है, औकात तालीम में मेरे फ़ोन इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ा होता है। दौर जवाल है और हमारे मुल्क की जो नौइयत है उन मजामीन के सुनाए जाने की ज़रूरत ज़्यादा है जो इस्लाम के एहसानात इस मुल्क पर हैं, जो इस्लाम के एहसानात इंसानियत पर हैं। हजरत अली मियां की किताब है इस्लाम के तमद्दुनी एहसानात इंसानियत पर, हजरत ने बहुत मुफस्सल इस मुल्क की तारीख की रोशनी में लिखा कि इस मुल्क का हाल इस्लाम के आने से पहले क्या था, इस्लाम के आने के बाद क्या हुआ, काफिरों में भी क्या तब्दीली आई। मादा खसल आलम के मुकदमे में इस्लाम के वजूद से पहले दुनिया की क्या हालत थी, इस्लाम के वजूद के बाद दुनिया की क्या हालत हुई, ईरान की क्या हालत हुई, रूम की क्या हालत हुई,
शिकस्त खुर्दगी के जज्बात से निकालने के लिए जुरत मंदाना जहन, बाएतमाद जहन बनाने के लिए इस्लाम के एहसानात इंसानियत पर दिफाई पोजीशन के बजाय इकदामी अंदाज, तालबे इल्म के दिल के अंदर जो तशकीक ज़दा ज़हनियत के असरात और जरासीम है उसको ख़त्म किया जाए। तालबे इल्म का चले जाना, तालबे इल्म का मौजूद न रहना कमी महसूस होती हो। आज भी बहुत से असातिज़ा हैं, आप हजरात में भी ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने तय कर रखा है कि अल्लाह आप मुझे एक तालबे इल्म दीजिए, मैं एक रोज़ा रखूँगा, क्योंकि पसमानदा इलाका है, तलबा आते ही नहीं है। ऐसे असातिज़ा आज भी हैं कि जिन्होंने तय कर रखा है जब तक पूरे तलबा मेरे सबक नहीं सुनाएंगे उस वक्त तक मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। तो तालबे इल्म इल्म के शौक में नहीं सबक याद करता, उस्ताद की मोहब्बत में सबक याद करता है। मेरे उस्ताद भूखे सो जाएंगे अगर मैं सबक नहीं सुनाऊंगा। इस किस्म की दर्दमंदी सबक के नागे पर, तालबे इल्म की इल्मी तरक्की के न होने पर एहसास का होना बहुत ज़्यादा रूहानी ताल्लुक में इजाफे का ज़रिया होता है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फ़रमाए। वाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।